पंजाब विच चाइना डोर पूर्ण तौर पर बंद हो जाने के कारण भी लोग इस डोर का अन्नेवाह इस्तेमाल कर रहे हैं। हुशियारपुर फगवाड़ा रोड से स्थित द स्टैलियंस के दफ्तर के कोल एक कबूतर प्लास्टिक डोर की लपेट में आ गया। इस संबंधी एनिमल केयर सोसाइटी के प्रधान चांद कौशल वालों फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया, जिस तों बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुँच के कबूतर को बाहर कढ उसकी जान बचाई। जानकारी दिंदियां चांद कौशल ने दसिया कि कर्मचारी पवन कुमार और उन्होंने साथियों द्वारा रेस्क्यू कर प्लास्टिक की डोर में फसे कबूतर को सही सलामत बाहर कढ़िया गया है। कबूतर को पानी पिलाने तो बाद उसे हवा में छड़ दिया गया है। मेरा नाम चांद कौशल है। अज जिदा सानू अभिषेक भाजी होना दस्या कि कबूतर जो कि रोड़ा फायर फगवाड़ा चौंक के कोल आ फसया पिया, तो जिदा ही अपना फायर ब्रिगेड को सूचित किया, नाल ही 10 मिनट से फायर ब्रिगेड आ गई जो कि डोर फसी हुई सी कबूतर के पैर चुनू कट के, तो जी डोर लाई गई तो उन्होंने याद कर दिता गा पानी पिला। तो असं सारे फायर ब्रिगेड का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो कि 10 मिनटों के ही आ गए एक बेजवान की जान बचाई। तो लोगों भी असं यही दसना चाहते हैं जे कि भी तुम कोई जीव इदा मिलता तो फायर ब्रिगेड को जरूर सूचित किया जाए। फायर ब्रिगेड की टीम के नाल श्री रवि कुमार, रणजीत सिंह तो भाजी उन्होंने सानू कॉल किया 2 बजे के करीब कि इतने अपने ग्रैंड प्रकाश टावर रोड़ा स्पेयर पार्ट वाले है फगवाड़ा चौंक, उन्होंने कोल एक तारा के कबूतर फसया हुआ हाई वोल्टेज तारा के, तो वो रेस्क्यू करने लिए सानू कॉल की गई सी। भाजी उन्होंने अगे भी सानू बड़ी बार कॉल की, आप बड़ा इन्हों हेल्प किया, बड़े धनवादी हैं कि जीवित बचाने लिए बहुत अगे आते हैं, तो असी हूँ आ गए असी कढ़ दिता है तो कबूतर बच गया है। असी बड़ा थैंक यू करते, पर लोगों को ये जरूर कहें कि प्लास्टिक की डोर की वरतों ना करो। बसंत निकली घट्टो घट भी 6 तो 7 महीने हो चले ने, बट फिर भी जीव हले तक भी फस रहे हैं, इसलिए थोड़ा अवेयर एंड प्लास्टिक की डोर की वरतों ना करो। थैंक यू। गुरजीत सोनू के नाल कैमरामैन इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।